बट वीएमआई में अगर आप कैडेट कोर्स करते हो 100% सिलेक्शन है, क्योंकि बनारस उल्टे हम लोग कैडेट्स वहीं से लेते हैं, हम लोग को स्टूडेंट्स चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती कंपनी की तो कंपनी क्यों आएगा देहरादून में? और आप लोग अगर ऑफिसर्स दोगे हमारे यहाँ पे, अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा देहरादून में, तो हम लोग देहरादून में ऑफिस भी खोलेंगे, तो वो हमारा टारगेट ऑफिस खोलने का। तो आई थिंक दैट्स इट। ओके सर, मेरे बारे में कुछ बता दूँ, मेरा नाम कैप्टन आशीष कौशिक है। मैंने करीब 18 से 20 साल सेलिंग की है, उसमें कैरियरशिप भी इंक्लूडेड है। आजकल की कैरियरशिप 18 महीने की है, अच्छी बात है। मेरे समय 3 साल की होती है। जैसे कैरियर बोर्ड पास बताया था, मैंने जब सी लाइफ एज ए कैडेट ज्वाइन की तो मैं 18 साल का था, और मैं 29 साल प्लस 6 महीने में कप्तान बन गया। तो अगर कोई कहे कि आप 8-10-11 साल में कप्तान नहीं बन सकते, वो पॉसिबल, वो आदमी को पता नहीं है क्या बोल सकता। मेरे जानने वाले मेरे कई दोस्त हैं, वो मुझसे भी पहले कप्तान बन गए, ठीक है। उसके लिए आपको लगन चाहिए, आपको एग्जाम टाइप देखिए, जो रोड पास बताया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मेहनत करोगे तो बेकार जाएगी। ये ऐसा प्रोफेशन है, आप उसमें जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मैं बीएमआई के साथ पिछले 4 साल से हूँ, और 2 साल से मैं बीएमआई को रेट कर रहा हूँ। ये देहरादून में मैं पहले 2 बार पहले भी आ चुका हूँ। तो थोड़ा मैं अपने कॉलेज के बारे में, जो विश्वकर्मा मरीन इंस्टीट्यूट है, आपको बताना चाहूँ। विश्वकर्मा मरीन इंस्टीट्यूट बीएमआई, ये विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ग्रुप है पुणे में, जो एजुकेशन ग्रुप है उसका पार्ट है, ठीक है। इसका जो सबसे पहला कॉलेज विश्वकर्मा ग्रुप ने, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज 35 साल पहले खुला। तो हम इस ग्रुप के कुल मिला के 10 से ज़्यादा कॉलेज पुणे में हैं, और जैसे कैसे हम कहते हैं कि 10 कॉलेज और 10,000 स्टूडेंट प्लस हमारे पास है। तो जो एजुकेशन है वो हमारे ग्रुप का मेन स्ट्रेंथ है। जो VIT कॉलेज है हमारा, वो पुणे में सबसे पहले उसकी सीट्स फुल होती है, मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज इन पुणे फॉर इंजीनियरिंग, वो हमारा फ्लैगशिप कॉलेज है। और इसकी एक खासियत है कि ये महाराष्ट्र का पहला ऑटोनॉमस कॉलेज बना था, जो प्राइवेटली ओन था। इसका मतलब था कि जो उसमें स्टडी मटेरियल है, जो उसका कोर्स कंटेंट है, वो कॉलेज प्रिपेयर करता था, और जो उसकी डिग्री थी वो पुणे यूनिवर्सिटी से मिलती। जैसे कि बाकी डीम यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी, उनका अपना सिलेबस है, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी, उनकी अपनी डिग्री, लेकिन इसकी डिग्री आपको गवर्नमेंट ही देती थी। और जो उसका पूरा करिकुलम था वो कॉलेज डिसाइड करता था विद कंसल्टेशन, जो मार्केट में जो चल रहा है, जो कंपनीज को चाहिए, ठीक है।